सामने चलना है इस पत्थर के नीचे झाड़े को क्रॉस करते हुए, डेंजरस है, इसमें एक जरा सी भी चूक आपकी जान ले सकती है। पानी का बहाव बहुत तेज है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल ट्रेवलर। तो आज मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग पे और 3-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो बारिश अभी रुक गई है तो मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ। तो आप मेरे चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, चारों तरफ बिल्कुल फसलें लहलहा रही हैं नीट एंड क्लीन। इसके बीच में मैं जा रहा हूँ, तो जो सामने बिल्कुल अपोजिट पहाड़ी दिख रही है टॉप में, जहाँ पर कुछ क्लाउड है वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। दैट्स टुडे समिट एंड नाइस वेदर, इससे बेटर मॉर्निंग वॉक शायद हो नहीं सकती। तो ये रोड है मेरा डेली मॉर्निंग वॉक का। सुबह से बारिश हो रही थी तो अभी बारिश रुक गई है, तो रास्ता काफ़ी स्लिपरी हो गया है, तो इस तरह के रास्ते में आपको केयरफुली मूव करना होता है। और यदि आप चारों तरफ देखें तो ये धान के खेत हैं, इसमें मक्के लग रखे हैं और वो सारी तरफ बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रखा है। अब यहाँ पता नहीं चलता कि कब कहाँ बारिश हो जाए, तो एटलीस्ट इतना टाइम मिला है तो मैं निकल देता वॉक कर लेता हूँ। और ये सामने टावर है नैनीसैनी एयरपोर्ट का, तो यहाँ पर छोटे एयरक्राफ्ट्स आ जाते हैं मिलिट्री और सिविल पर्पस। तो यहाँ पर पानी का एक नेचुरल स्रोत है तो यहाँ से निकल रहा है, तो आपको बेहद केयरफुली आगे बढ़ना होता है क्योंकि इसमें पाँव के रपटने के और फिसलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, तो मुझे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे एक अधेरी टनल है, उस समिट तक पहुंचने के लिए मेरे को उस खतरनाक टनल को क्रॉस करके जाना है। क्योंकि बरसात के टाइम में आप देख सकते हैं इसी तरह से खेतों से पानी निकल के आता है, ये बिल्कुल नेचुरल वाटर है, बरसाती नाला भी बोल सकते हैं, तो हर जगह जगह आपको मिल जाते हैं। रास्ता मिल जाता है मुझे इसको क्रॉस करना है। तो यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज है, तो इस अधेरी टनल को क्रॉस करने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ से मुझे मेरी मंजिल बिल्कुल साफ दिख रही है, मुझे सामने दिखने वाली पहाड़ी के सबसे टॉप में जाना है, दैट समिट आई हैव टू क्रैक। और उस समिट पे जाके मैं पूरे सिटी का बर्ड आई व्यू लूँगा, ड्रोन को उड़ाया जाएगा उसके ऊपर टू कैप्चर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ दिस मानसून सीजन ऑफ दिस सिटी। तो कुछ इस तरह का रास्ता मुझे कवर करना है, आप देख सकते हैं नीचे रास्ता टूटा हुआ है, और इस घनी झाड़ियों के पार मुझे क्रॉस करना है इस। तो ये नज़ारा दिखता है जो सामने दिख रहा टॉप पहाड़ी जिसके ऊपर काले बादल हैं, मुझे वहां पहुंचना है। मानसून के सीजन में हर जगह हरियाली दिखती है, घास फूस बड़े हो जाते हैं, इसमें जंगली जानवर भी हो सकते हैं, आपको हर समय अलर्ट रहना होता है, बिल्कुल चौकन्ना। ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते को क्रॉस करते हुए तो यहाँ पर हिमालयन पीक बनी हुई है। तो अभी देख सकते हैं सामने का नज़ारा, अप्रोक्स आधी दूरी मैंने तय कर ली है और यहाँ से कुछ इस तरह का सामने सिनेमा हॉल है, ये एक छोटी सी पहाड़ी, तो आधी दूरी मैंने तय कर ली है, बहुत ही शानदार व्यू। अब मेरे को चढ़ना है इस रास्ते को क्रॉस करके काफ़ी ऊपर तक, तो मैं अपनी मंजिल के और पास आ गया हूँ। सामने जो टेंपल दिख रहा है और उसके ऊपर की पहाड़ी है वहाँ पर मेरे को चढ़ना है, जो अब 3-4 किलोमीटर
वॉक कर लेते हो तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं। उस ऊंचाई पे जाना है, यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। तो अब मेरे चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, भी बारिश कभी भी हो सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी उस समिट पे पहुंचना है, इस टॉप पे। तो इस तरह के खतरनाक से रास्तों को मुझे क्रॉस करके चलना होता है। इसमें पैर फिसलने से आपकी जान भी जा सकती है। अब मुझे इस घने जंगलों को पार करके समिट पे पहुंचना है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं आपकी सांस फूलने लगती है। यहाँ पर जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, कभी शेर, शियार, बंदर, खतरनाक टाइप के जीव जंतु। इस तरह की लोकेशन पे आपको हमेशा अलर्ट रहना होता है। हेलो गाइज, तो फाइनली मैं घने जंगलों के बीच में पहुंच गया हूं। आप मेरे चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, बिल्कुल जंगल ही जंगल है। और मुझे इस पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ना है, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूं ताकि, और जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आपकी सांसें फूल जाती हैं। तो मैं जब उस पहाड़ी की ऊँचाई में पहुँच जाऊँगा देन आई विल शो द बर्ड आई ऑफ सिटी पिथौरागढ़। वहाँ पर हम ड्रोन को फ्लाई करेंगे और हम देखेंगे इनको। फाइनली मैं पहाड़ की ऊंचाई में पहुंच चुका हूं। अब आप यहां से पूरे सिटी का व्यू ले सकते हैं। इस तरह घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है मिनी कश्मीर। यहाँ से बहुत बेहतरीन नज़ारा है। ये सड़क सीधे घूम के एयरपोर्ट को जाती है। सामने जो पॉलीथीन से ढका हुआ है वो DRDO का कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और सामने पहाड़ियाँ हैं और अभी हेज काफ़ी है, इस वजह से आपको क्लियर कट नहीं दिख रहा। अदरवाइज यहाँ से हिमालयन रेंज भी दिखती है, पूरे स्नो पीक आपको इधर से नज़र आ जाते हैं। ये मेरा फेवरेट प्लेस है, यहाँ पर मैं घंटों बैठ सकता हूँ। व्हाट ए लवली वेदर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे। सामने ये छोटे छोटे पहाड़, इसमें कुछ लोग गाय भैंस चरा रहे हैं। एंड सामने बादलों से ढकी हुई छोटी छोटी पहाड़ी और सामने एयर स्ट्रिप, इसका नाम है नैनी सैनी एयरपोर्ट। इसमें स्मॉलर साइज़ के एयरक्राफ्ट और मिलिट्री के MiG-17 वगैरह इसमें चलते हैं। और सामने है सिटी पिथौरागढ़, बेहद खूबसूरत व्यू। तो ये है मिनी कश्मीर। यहाँ से हिमालयन स्नो पीक भी दिख जाती हैं, बट अभी बादल लगे हुए हैं, जैसा देख सकते हैं कई जगह बारिश हो रही है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है। ये इस तरह की लोकेशन है कि इसमें आके आप घंटों बैठ सकते हैं, बिल्कुल ठंडी हवाएं चलती हैं, पिकनिक कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। अभी बूंदाबांदी रुक गई है, बट टू मच क्लाउडी। तो गाइज, इस समिट को कवर करने के बाद और ड्रोन शॉट लेने के बाद एक रास्ता इस जंगल की तरफ जाता है, तो मैं थोड़ा सा चला जाता हूँ। ये एक पेड़ है जिसमें मैंने कुछ आग लगा दी शायद। तो यहाँ पर जहाँ तहाँ प्लास्टिक और रखे पड़े हैं, यही तो दिक्कत है। यहाँ पे लोग बाग आ जाते हैं और सब इतने खूबसूरत प्लेस को प्लास्टिक से और वेस्ट मटेरियल से भर देते हैं।
तो ये जंगल की तरफ जाता है काफ़ी आगे, तो आज तो टाइम कम है, डेफिनेटली आई विल कवर दिस पॉइंट। तो ट्रैकिंग के लिए इससे बेटर जगह शायद हो नहीं सकती। तो सामने नैनीसैनी एयरपोर्ट और यहाँ पर एक आर्मी पब्लिक स्कूल। तो यहाँ से सिटी का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये सामने है आर्मी पब्लिक स्कूल और इसके पास में सिटी। सिटी के ऊपर भी बादल लगे हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। तो अब टाइम है मुझे नीचे उतरने का, तो मुझे सामने चलना है इस पत्थर के नीचे झाड़े को क्रॉस करते हुए। रास्ता कतई डेंजरस है, इसमें एक जरा सी भी चूक आपकी जान ले सकती है। इस तरह के उसमें स्लिपरी मौसम में जंगली जानवरों का भी प्रकोप है। तो ये है यहाँ का बहुत फेमस BCGC आर्मी पब्लिक स्कूल, देख सकते हैं। इसमें एक टैंक भी रखा हुआ है, फेमस आर्मी पब्लिक स्कूल। तो यहाँ ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, टोटली मैनेज बाय डिफेंस। और इसके नीचे एक पार्क। तो मैं जा रहा हूँ सिटी पिथौरागढ़ की तरफ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।